नमस्कार साथियों, आप सामने जो स्क्रीन पर गाय देख रहे हैं, यह गाय हीट स्ट्रेस में या हीट स्ट्रोक में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और लू भी बहुत भयंकर चल रही है। इस कंडीशन में अपने पशुओं को जैसे मुंह फाड़कर सांस ले रही है, पानी भी मुंह से टपक रहा है, चारा खाना भी छोड़ देती है, तो इस स्थिति में आपको क्या करेंगे, इसका कैसे समाधान किया जाएगा? तो दोस्तों काफ़ी केस इस तरह के हमें फील्ड में मिल रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों जिस प्रकार से गर्मी का सीजन है, बहुत भयंकर लू भी चल रही है और काफ़ी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा पशु लू की चपेट में भी आ रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत बहुत फील्ड में देखने को मिल रही है, जैसे पशु हाँफने लग रहे हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर सांस ले रहे हैं और मुंह से पानी भी टपक रहा है। तो इस तरह के केस हमें फील्ड में काफ़ी देखने को मिलते हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों जो दुधारू पशु है, दूध देने वाली गाय है या भैंस है, या जिस प्रकार से जो विदेशी नस्ल की गाय है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनमें ही देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पशु का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में विदेशी नस्ल की गाय होती है, उसका तो बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आज आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो आप अपने पशुओं में करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो जिस प्रकार से जो दूध देने वाली गाय है, भैंस है, उनका दूध भी अचानक डाउन हो जाता है, जिस प्रकार से जो दुधारू पशु है उनमें सबसे ज़्यादा समस्या लू और गर्मी को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको यह ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो आपको एक पाउडर और लिक्विड बताऊंगा, जिस प्रकार से आप इनका पशु में यूज करवाते हैं, तो आपका पशु जल्द ही रिकवरी कर लेता है, आपका पशु ठीक हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से दोस्तों आप पशुओं को नहला भी रहे हैं और कुछ मात्रा में जैसे मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो फिर भी आपका पशु ठीक नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर खाना पीना नहीं कर रहा है, हाँफ रहा है, गर्मी में आ चुका है, तो इस तरह की दिक्कत होती है, तो आप यह ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। जिस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वोक्ट्रोज आती है 25%, तो यह वोक्ट्रोज आप कम से कम 1 लीटर से 2 लीटर तक अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप 15 से 20 ml तक अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जो विटालजिन के नाम से 33 ml का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन भी आप यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आप 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने पशुओं में यूज करवाना है। जिस प्रकार से दोस्तों जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, न्यूरोकाइंड प्लस वेट और विटालजिन इंजेक्शन, यह दोनों इंजेक्शन आप अपने पशुओं में IV ही यूज करवाने हैं, क्योंकि दोस्तों इनका बेटर रिजल्ट लेना है तो आप IV ही यूज करवाएं। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जो एंटीबायोटिक के रूप में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लेना है, यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 15 से 20 ml तक यूज करवा सकते हैं, और आपके पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 30 ml तक भी यूज करवा सकते हैं। यह दोस्तों इंजेक्शन कंडीशन के हिसाब से आपके पशु चिकित्सक ही तय करते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है। इस डोज आप 50 ml तक भी यूज करवा सकते हैं, जो आपके पशु चिकित्सक पर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों यह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन भी आप IV ही यूज करवाना है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो साथ में दोस्तों और इंजेक्शन जो आपको इंट्रामस्कुलर यूज में लेने हैं, तो वह इंजेक्शन आते हैं जिस प्रकार से जो यूरिमिन इंजेक्शन आता है, तो आप यह इंजेक्शन 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवाना है। साथ में ही दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि दोस्तों जब पशु को लू लग जाती है या गर्मी लग जाती है या पशु हीट स्ट्रेस में आ जाता है, हीट स्ट्रोक में आ जाता है, तो पशु का टेम्परेचर बढ़ना तो तय होता है।
तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको जिस प्रकार से जो मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है एंटास कंपनी का, तो यह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 15 से 20 ml तक यूज करवा सकते हैं, या दोस्तों आपके पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 30 ml तक भी यूज करवा सकते हैं। यह दोस्तों इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रा मस्कुलर ही यूज करवाना होता है। इसी तरह से दोस्तों जिस प्रकार से जो पशु को गर्मी लगती है या लू की चपेट में आ जाते हैं तो वह खाना पीना भी बंद कर देता है, उस कंडीशन में आपको जो बेलामाइल इंजेक्शन आता है यह इंजेक्शन भी आप 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर यूज करवा सकते हैं, क्योंकि यह गर्मी के लिए और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ में दोस्तों जो एनिस्टामिन इंजेक्शन आता है यह भी आपको 10 ml इंट्रा मस्कुलर ही यूज करवाना होता है। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया है यह ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक के देखरेख में ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हो गया ट्रीटमेंट जो आप अब पशुओं को देंगे। जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पाउडर आते हैं तो वह आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों जो कूलेंट पाउडर आता है विनवेट कंपनी का, तो वह अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपका गाय भैंस है उसमें यह पाउडर कंडीशन के हिसाब से 100 से 200 ग्राम तक अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों यह पाउडर अपने पशुओं में देते हैं तो बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता है। यह पाउडर आपको शाम के टाइम भिगोकर रखना है और सुबह के टाइम देना है, या आप सुबह के टाइम भिगोकर रखना है शाम के टाइम पशु को दिलवा सकते हैं। इस प्रकार देंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों जो दुधारू पशु है उनका दूध भी डाउन हो जाता है, या तो पशु चारा छोड़ देता है उस कंडीशन में भी डाउन होता है, या पशु स्ट्रेस में आ गया है, या पशु को लू की चपेट में आ गया तो उस कंडीशन में भी पशु खाना पीना छोड़ देता है और पशु का दूध डाउन चला जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो विटाकाइंड लिव आती है मैनकाइंड कंपनी की या हिमालय कंपनी की जो लिव 52 लिक्विड आती है, तो यह लिक्विड आपको 5 लीटर लेनी है। और दोस्तों इसके साथ में ही आपको जिस प्रकार से जो एड्र एच लिक्विड आती है तो वह लिक्विड आपको 1 लीटर लेनी है। तो दोस्तों दोनों को मिक्स करके आप 100 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह आप ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवाएंगे, जिस प्रकार से जो पाउडर देंगे लिक्विड देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से आपका पशु लू की चपेट में आता है, गर्मी की चपेट में आता है, या हीट स्ट्रेस हो जाता है, या हीट स्ट्रोक की चपेट में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपका पशु यह ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में ही आपके पशु का दूध डाउन चला जाता है तो उस कंडीशन में भी आपके पशु का दूध डाउन नहीं होगा और आपके पशु के दूध इंक्रीज ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको यह छोटी छोटी बातें बताई है जो हम फील्ड में यूज करवाते हैं वही चीज आपको बताई जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे।